क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा में जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। कान्हा की नगरी में कृष्ण जन्म की लीला देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। घर, मंदिर और बाजार भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और सुंदर सुंदर झांकियों से सजाए जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से सजाई गई है श्री कृष्ण की झांकी और मंदिर। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का खास महत्व है। जन्माष्टमी की पूजा खासकर मथुरा, वृंदावन और द्वारका में विधि विधान से की जाती है। हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। कान्हा की नगर में कृष्ण जन्म की लीला देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। साल 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी 18 या 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। चालीसा, आरती, भजन, स्तुति और मंत्र आदि का जाप कर माधव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस दिन मंदिरों की सजावट देखने लायक होती है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में सबसे खास त्योहारों में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी सभी घरों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर घर, मंदिर और बाजार भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और सुंदर सुंदर झांकियों से सजाए जाते हैं। घरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। इस दिन अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और पकवान बनकर ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। घरों और स्कूलों में छोटे बच्चों को कृष्ण के अवतार में सजाकर तैयार किया जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में रात 12 बजे हुआ था। इसीलिए हर साल भादो के महीने में अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त की रात 9:21 पर शुरू होकर 19 अगस्त की रात को समाप्त होने का समय है। मथुरा और द्वारकाधीश में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश में जन्माष्टमी का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पहली वाली रात को हल्का भोजन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात विशेष रूप से सूर्य, सोम, भूमि, आकाश, संधि, भूत, यम, काल, पवन, अमर, दिक्पति, खेचर, ब्रह्मादि को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।
आज देश दुनिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा हो, वृंदावन हो या द्वारिका हो, सभी जगह पे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सभी भक्त दूर दूर से वहां आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। आज रात ही श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, मंदिरों में श्री कृष्ण का जन्म कराया जाएगा, उसी तरह से पूरा दृश्य बनाया जाएगा जिस तरह से श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। सभी भक्त भक्ति में लीन नजर आएंगे। आज पूरे दिन लोग उपवास रखकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। रात को जन्म करेंगे, उसके बाद खुशी उल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।